गणेश उत्सव के बाद अब दुर्ग जिले में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलाकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में लगे हुए हैं। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर जिले में भी मूर्तिकार माता रानी की प्रतिमाएं तैयार करने में लगे हुए हैं। दुर्ग से महज 15 किलोमीटर दूर ग्राम थनौत में इन दिनों माता दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है। करीब 500 से अधिक कलाकार प्रतिमाओं को मूर्त रूप देने में लगे हैं। शिल्पग्राम के नाम से पहचाना जाने वाला थनौत अब कला के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने का एक बड़ा केंद्र भी बन गया है। यहाँ बनाई गई मूर्तियों की मांग प्रदेश ही नहीं, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी है। गांव की आबादी करीब 4000 है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश और नवरात्र पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं का निर्माण करना ही इस गांव के रहवासियों का मुख्य रोजी रोटी का जरिया बन गया है। हमारे यहाँ थनौत में आसपास के जितने भी मतलब गांव हैं, अंजोरा, चंगोरी, देवादा, बीरेझर, सांकरा है ना, कोपीडी, रसमड़ा और अंजोरा, तो ऐसे कोल्हापुरी, पीसे गांव, आसपास के गांव के लोग पूरा महिलाएं मतलब ट्रैक्टर में मतलब सवारी होकर मतलब यहां आते हैं। लेकिन ये थनौत गांव में जब एक साथ जब आते हैं तो गांव में गाड़ी रखने का जगह नहीं रहता है, और गांव में मतलब पब्लिक ऐसा रहता है कि जैसे कि एक डोंगरगढ़ में मतलब भीड़ रहता है, वैसी मतलब हमारे थनौत में मतलब भीड़ हो जाता है। मन में भाव तो पहले से ही था कि मूर्तिकार बनना चाहिए। बताइए, अगर हम लोग माँ की प्रतिमा जो बना रहे हैं, एक्साइटेड है, अच्छा, इतना इतना लोग सब लोग सम्मान कर रहा है, तो एक कला का भी तो सम्मान होना चाहिए और हम लोग का भी सम्मान है। और इधर पे जो भी डिजाइनिंग का काम है, इसको देखकर और एक्साइटेड मन बढ़ जाता है कि आज ये नया है तो कल इससे भी बेहतर बनाए। इसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी प्रतिमा लेने पहुँचे अंकित उबारानी कहते हैं कि यहाँ की प्रतिमा पूरे देश में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ से लगे हर राज्य में यहाँ की प्रतिमा पहुँचती है, और ये प्रतिमा इतनी सुंदर और मनमोहक होती है कि पंडाल में से देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। इनके यहाँ की प्रतिमा बहुत जबरदस्त है, थनौत में सबसे नंबर वन यही है आज की डेट में। और यहाँ की मूर्ति सिर्फ दुर्ग भिलाई में नहीं, अपना छत्तीसगढ़ से बाहर भी बहुत सारी प्रतिमा जाती है इनकी। और इनकी हाथ की जो कला है वो माता रानी की दया है। इनकी कलाकारी और कोई नहीं कर सकता शायद इस छत्तीसगढ़ के अंदर। यहाँ बनाई जा रही प्रतिमाओं की कीमत 3000 से लेकर 3 लाख रुपए तक है। बहरहाल अब इंतजार है 3 अक्टूबर का, जब थनौत की मूर्तियाँ छत्तीसगढ़ समेत सीमावर्ती प्रदेश के पंडालों में विराजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रोबिल मल ठाकुर, दुर्ग।